उत्तर प्रदेश के अमरोहा के समाजवादी पार्टी के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई की प्रदेश सरकार से मांग की है। रिहाई के लिए उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण और रमजान के महीने का हवाला दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रिहा किया जाए। उन्होंने सरकार से रिहाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का प्रदेश में माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे हालात में सरकार को मानवता दिखाते हुए आजम खान और उनके परिवार को रिहा कर देना चाहिए और मानवता का संदेश देना चाहिए। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के संबंध में तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि प्रशासन अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। मैंने बार बार कहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और डॉक्टर द्वारा बताए गए रास्ते पर अमल करें। बड़ी महामारी है कि हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और हमारी याददाश्त में पहली ऐसी महामारी है, इसलिए इसमें बचाव जरूरी है। आज मैंने पहले भी कहा है कि प्रदेश के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के स्तंभ और उम्र से भी मेरे ख्याल से तो बहुत उम्र उनकी हो गई है, बुजुर्ग है, 70+ है। ऐसे नेता मोहम्मद आजम खान साहब से मैं व्यक्तिगत जेल में भी मिला था और उसमें भी कहीं उनकी इतना सीनियरिटी को ध्यान में ना रख के इस तरह की व्यवस्थाएं से मैं संतुष्ट नहीं था व्यक्तिगत। आज देश स्तर पर ऐसे लोगों को, आम लोगों को भी छोड़ा जा रहा है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि नियमों को शिथिल कर, मोहम्मद आजम खान नियमों को शिथिल करके या पैरोल के आधार पर उनके परिवार वर्तमान महामारी के वक्त उनके परिवार में उनकी बीवी है, उनका बेटा है और खुद मोहम्मद आजम खान अगर छोड़ेंगे तो व्यक्तिगत आधार पर भी कहीं मानवता के आधार को ध्यान में रखते हुए भी ठीक है। अगर बात कोई ऐसे है तो कोर्ट में लंबित है, उन्हें चलाएं, लेकिन वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रमजान का महीना ध्यान में रखते हुए उनकी रिहाई की जाए तो ये अच्छी चीज़ें होंगी। आज देश पूरी तरह से देश में महामारी का प्रकोप है, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि इस तरह की महामारी से लोगों को अपनी तरफ इस तरीके से पूरा बचाव भी करना चाहिए और अल्लाह करम ऐसे हालात में सब कुछ ठीक कर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.